हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में। बेसिकली ये हमारे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का असाइनमेंट था जो हमें फर्स्ट ईयर में मिला था। तो मैं आज की वीडियो में अपना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होपफुल आज की वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर लिखा है फर्स्ट ईयर। मैं अपना असाइनमेंट मैंने एकदम सिंपल रखे हैं क्योंकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको ज़्यादा फूल पत्ती यहाँ पे बनानी नहीं है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये असाइनमेंट हमें डीएलएड फर्स्ट ईयर में मिला था, तो हो सकता है कि आपको भी यही असाइनमेंट मिले। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, ये आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द कैजुअलिटी ऑफ एन एक्सीडेंटल सिचुएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिजर्व लाइफ एंड स्ट्रेंथ अंटिल मेडिकल असिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद एम्स लिखे हैं फर्स्ट एड के। उसके एम्स होते हैं प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म, प्रमोट रिकवरी। एम्स के बाद मैंने यहाँ पे इंट्रो दिया है। देन गोल्स लिखे हैं, another set goals of keeping badly hurt person alive is sometime called CAB, circulation, airway, breathing। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है क्योंकि कई बार अपने असाइनमेंट को अच्छा दिखाने के लिए हम जो लिख रहे हैं हम उसे फ्लो चार्ट के थ्रू अगर बनाए तो वो एक अच्छा लुक भी देता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ठीक रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा ही लिख के अपने असाइनमेंट्स को, उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को जो था फर्स्ट एड का इंट्रोडक्शन, उसको खत्म किया है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज फर्स्ट एड मींस, फर्स्ट एड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पीछे तो डेफिनेशन की बात की थी, यहाँ पे हम लिखे कि होता क्या है। तो उसमें प्रिजर्विंग लाइफ इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, इट कैन बी ऑफन ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम क्रिपलिंग पेन एंड प्रिवेंट मेडिकल कंडीशंस फ्रॉम डिटर्मोरेटिंग व्हाइल मोर एडवांस केयर इज ऑन इट्स वे। मतलब जब तक मतलब अगर रोड पे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एम्बुलेंस के आने तक हम उसे केयर दे सकते हैं ताकि उसका थोड़ा पेन कम हो सके, तब तक मेडिकल टीम आ रही है, तो दैट्स फर्स्ट एड। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन इज फर्स्ट एड नीडेड, फर्स्ट एड की जरूरत कब होती है। फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू स्टेप इन टू हेल्प व्हेन एन एमरजेंसी अकर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है बट मैं अदर असाइनमेंट्स में मैंने भी किए हैं, तो आप भी ये कर सकते हो। ठीक, उसके बाद रुको, उसके बाद मैंने बात की है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड नॉलेज इज एन इनवैल्यूएबल फॉर बोथ you as an individual and for your community. It enables you to assist person who become injured in the event of an accident or emergency situation until help arrives. ठीक, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला, सेम वहीं पर वही बात यहाँ पर भी बोली गई है। फिर उसके बाद मैंने पूरा importance of first aid है। If an accident happens in a workplace, in your house or in public space, being a helpless witness to an emergency situation can potentially worsen the situation. Then, major importance of first aid are, effective first aid can reduce the consequences of many injuries. अगर चोट लगी है और आप उन्हें टाइम पे फर्स्ट एड नहीं देते हो तो वो और ज़्यादा बढ़ सकती है प्रॉब्लम, तो फर्स्ट एड इसलिए भी हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स टू सेव लाइफ बाई गिविंग बेसिक ट्रीटमेंट बिफोर द प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव। जैसे मैंने पहले कहा कि इट हेल्प्स टू सेव लाइफ बाई गिविंग बेसिक ट्रीटमेंट बिफोर द प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव, प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंस अराइव क्विक। ठीक है, देन फर्स्ट एड हेल्प इंश्योर दैट द राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंस आर प्रोवाइडिंग। मतलब जो टीम आने वाली है, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल टीम जो आने वाली है, वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसी से रिगार्डिंग हम फर्स्ट एड के थ्रू भी एक छोटी सी केयर उसको दे सकते हैं ताकि उसकी लाइफ को सेव किया जा सके। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड बेनिफिट्स द इंडिविजुअल्स देमसेल्फ।
फर्स्ट एड की नॉलेज आप एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। इट एफर्ट्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस। वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस में भी फर्स्ट एड आपको काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है इसी का, द लार्जेस्ट बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट एड आर। यहाँ पे मैंने एक एक करके फर्स्ट एड के बेनिफिट्स लिखे हैं। इट अलाउज दो ट्रेन विद अ पोटेंशियली लाइफ सेविंग एबिलिटी टू एक्सिट एन इंजर्ड और इल पर्सन ड्यूरिंग अ वैरायटी ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक, देन सेकंड पॉइंट मैंने लिया है, नॉलेज इन फर्स्ट एड बेनिफिट्स द इंडिविजुअल देमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन इमरजेंसी अफेक्ट देम डायरेक्टली। मतलब अगर उस इंडिविजुअल को भी कोई जरूरत पड़ जाती है फर्स्ट एड की और उसको अगर फर्स्ट एड की नॉलेज है तो वो खुद की भी हेल्प कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट है, व्हाइल एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम फर्स्ट एड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, इट इज एन इवन ग्रेटर बेनिफिट टू दोज वर्किंग और लिविंग विद इंडिविजुअल हु रिक्वायर एंड गोइंग टू स्पेशल अटेंशन। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो जैसे मैंने ये इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड लिखे थे, मैंने इसको भी उसी तरह बॉक्स में लिखा है क्योंकि मैं इसको हाईलाइट करना चाहती थी। तो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड तीन होते हैं, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंटिंग डिटरमोरेशन एंड प्रमोट रिकवरी। देन मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया है। देन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट वन इज रीच द एक्सीडेंट स्पॉट क्विकली, रिमूव द कॉज ऑफ एक्सीडेंट सच एज लाइन, इलेक्ट्रिक कल वायर्स और ऑब्जेक्ट। इफ पॉसिबल रिमूव द कैजुअलिटी फ्रॉम डेंजर सच एज बर्निंग हाउस रूम विद द पॉइजनस गैसेज। रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आपको एक्सीडेंटल स्पॉट्स पर पहुंचना है, उसके बाद वहां पर अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसको वहां से रिमूव करना है। देन हैंडल द कैजुअलिटी विद ड्यू केयर एंड अटेंशन शुड बी पेड टू रिड्यूस पेन एंड टू प्रेजेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन। नेवर अटेम्प्ट टू मच। आपको सिर्फ उसको इतना ही अटेंशन देना है कि उसका पेन कम हो सके, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि फिर जो प्रोफेशनल टीम आएगी वो भी उसको देख लेगी। फिर प्रोवाइड कम्फर्ट टू द कैजुअलिटी, दैट इज प्रोवाइडिंग वार्मथ एंड एश्योरेंस। ठीक है, देन कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई फेलियर ऑफ ब्रीथिंग, ब्लीडिंग और शॉक एंड टू टेक appropriate measure to treatment the problem। आपको continuously देखना है कि उसको breathing में तो कोई problem नहीं हो रही है, bleeding हो रही है नहीं हो रही, shock की, और आपको उसके लिए फिर उसको proper treatment भी देनी है। Then use materials available at hand to improvise for one's requirement to provide first aid in case standard first and equipment are not available। अगर आपके पास कोई भी equipment नहीं है तो आपको basic first aid जो आपके हाथ में है आपको उन्हीं को यूज करना है। ठीक, क्लियर अवे, जैसे मान लो अगर आपके पास बैंडेज नहीं है और किसी को बहुत खून निकल रहा है तो आप अपनी वाइट हैंकी अगर आपके पास है तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, देन क्लियर अवे द क्राउड अराउंड डिसेंटली एज द कैजुअलिटी नीड फ्रेश एयर। अब क्या होता है, अगर रोड पे हम लोगों ने भी देखा होगा कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसको तरफ चारों तरफ से पब्लिक ऐसे घेर लेती है लोग कि यहाँ पे क्या हो गया क्या हो गया। तो आपको सबसे पहले उस क्राउड को वहां से दूर करना है ताकि जिसको चोट लगी है, जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है, उसको फ्रेश एयर मिल सके। देन रीअश्योर द कैजुअलिटी विद काइंड वर्ड्स, एनकरेजिंग कमेंट्स विद एनेबल द कैजुअलिटी टू रिले एंड बी कोऑपरेटिव। आपको उसको डराना नहीं है, उसके साथ उसको साथ काइंड वर्ड्स में उसको से बात करनी है, उसको एनकरेज करना है कि आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक हो सकते हो, अभी टीम आ रही है। ठीक है, अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द डॉक्टर और टू अ हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म द रिलेशन वेयर द कैजुअलिटी इज बीइंग टेकन टू। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन एडजस्ट करना है, अरेंज करना है ताकि आप उसको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचा सके। एंड सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, हैंड ओवर द कैजुअलिटी टू द मेडिकल सेंटर और द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। आपको उसको जितना जल्दी हो सके मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल तक पहुंचाना है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें मिला था हमारे असाइनमेंट में वो था मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के रिगार्डिंग हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं क्या क्या मिथ्स हैं हमारे सोसाइटी में
फर्स्ट वन इज पुट योर हैंड बैक व्हेन यू हैव अ नोज ब्लीडिंग. जब भी नोज से ब्लीडिंग होती है तो हमें कहा जाता है कि अपने सर को ऐसे बैक करके रखो, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए. डोंट पुट योर हेड बैक, ब्लीड ब्लड कुड हॉग डाउन योर थ्रॉट एंड पोटेंशियली इन टू योर स्टमक विच कैन कॉज नौशिया एंड वॉमिटिंग इंस्टेंट. मतलब हमें बोलते हैं कि हाथ सर को ऐसे नीचे करके या पीछे करके रखना चाहिए पता नहीं, तो उससे क्या हो सकता है, जो ब्लड है वो हमारे पेट में जा सकता है जिससे नौशिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है. इंस्टेंट टिल योर हेड फॉरवर्ड एंड पिंच योर नोज राइट एट योर नोस्टिल नॉट हायर. होल्ड योर नोज फॉर अ फुल 10 मिनट्स बिफोर चेकिंग टू सी इफ इट ब्लीडिंग हैज स्टॉप. आपको क्या करना चाहिए, अपने नाक को ऐसे पिंच करके रखना चाहिए फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, और फिर चेक करना चाहिए कि ब्लीडिंग रुक गई है या नहीं. इफ ब्लीडिंग लास्ट मस्ट लॉन्गर और इफ द ब्लीडिंग वॉज द रिजल्ट ऑफ एन इंजरी हेड टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट. अगर तब भी नहीं रुक रही है तो आपको तुरंत एमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है. ये जो मैंने मिसकंसेप्शंस लिए हैं ये मैंने बेसिकली स्कूल से रिलेटेड लिए हैं, क्योंकि आप टीचर हो तो आपको जो भी असाइनमेंट्स बनाने हैं वो एज अ टीचर, फॉर अ टीचर और फॉर द स्टूडेंट्स सोच के बनाने हैं, ठीक है. देन सेकंड मिथ जो मैंने लिया है वो हेल्प सूटे एंड हील अ बर्न बाय अप्लाइंग बटर. जब भी हाथ जल जाता है तो अक्सर हमें बोला जाता है कि वहाँ पे ना बटर लगा लो, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए. बटर कुड मेक द बर्न वर्स एंड मेक ट्रीटमेंट बाय द डॉक्टर मोर डिफिकल्ट. वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट को और डिफिकल्ट कर देता है. पुटिंग बटर ऑन द बर्न मीन्स पुटिंग अ नॉन शेराइल सब्सटेंस और एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एरिया दैट इज हाईली सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन. फर्स्ट डिग्री बर्न कैन बी ट्रीटेड एट होम यूजिंग कूल बट नॉट कोल्ड वाटर, ठीक है. बोलते ठंडा ठंडा पानी, नहीं ठंडा नहीं है, एकदम कूल वाटर. होल्ड द बर्न अंडर रनिंग वाटर फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स और अंटिल देयर इज सम रिलीफ ऑफ पेन. तो ये मैंने लिया था कि आपको बटर नहीं लगाना चाहिए अगर आपका हाथ जल जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को कूल वाटर, जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर होता है गर्मी के टाइम में तो वही बहुत ठंडा होता है, आप उसके नीचे अपने हाथ को 10 मिनट करके रखो, आपको अपने पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट थर्ड, अ कॉकिंग विक्टिम विल रिक्वायर द हिमिच मैनेवर. अ कॉकिंग विक्टिम माइट रिक्वायर द हिमिच मैनेवर फॉर अ कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द एयर वे बट यू विल हैव टू कीप योर कंपोजर लॉन्ग इनफ टू फाइंड आउट इफ दैट इज इन द केस. इफ कॉकिंग विक्टिम कैनॉट स्पीक एंड इट टर्निंग ब्लू द हिमिच मैन एवर इज रिक्वायर टू अलाउ एयर टू पुश ऑब्स्ट्रक्शन आउट ऑफ द एयर वे. कॉल 911 इमीडिएटली एंड आस्क फॉर द हेल्प. इफ विक्टिम कैन टॉक इट इज द पार्शियल ब्लॉकेज विच कैन लाइकली बी रिसॉल्व विद कफिंग. देन फोर्थ है पुट कोल्ड रेड मीट ऑन ब्लैक आई. फिफ्थ अप्लाई अ हॉट कॉम्प्रेस टू अ स्प्रेन एंकल, ठीक. ये मेरे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का असाइनमेंट है. इससे पहले मैंने आपके साथ अपने एजुकेशन एंड सोसाइटी का असाइनमेंट जिसमें हमें यूनिट 1 मिली थी डेट इज सोशल चैलेंजेस इन आर सोसाइटी, उस असाइनमेंट की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी. आप चाहो तो उसका लिंक जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. और लेट्स कंटिन्यू. सिक्स है इफ अ चाइल्ड कंज्यूम अ पॉइजनस सब्सटेंस रॉन्ग वे induced vomiting is not recommended for certain poisonous substance. The correct way is never give anything to eat or drink unless directly to by the poison control center. If any accidental poisoning occur, immediately consult your doctor for advice. Uske baad hai 7th, if you get a cut right way, explore to fresh air is the quickest way to allow wound to heal. And thus, there is best not to apply cream since they keep the wound moist. Bandage should also be changed to keep the wound clean. Right way. The first thing to do with the wound is wash it with soap and cool water. At night, the bandage should be replaced with a looser dressing so air can be circulated the wound. Also, try to keep the wound area clean and dry. 8th है द बेस्ट वे टू ट्रीट अ ब्लीडिंग एक्सट्रीमली इज बाय अप्लाइंग अ टॉर्निक्विट.
The first thing to do with the wound is wash it with soap and cool water. At night, the bandage should be replaced with a looser dresser so air can circulate the wound. Also, try to keep the wound area clean and dry. 9th and 10th, apply heat to a sprain, stain or fracture. Wrong way, heat increasing swelling and can keep the injury from healing as quickly as it could. Right way, applying ice to reduce swelling for about 20 minutes. Place a thin barrier between the ice and bare skin. 11th, cardiac arrest. Only people who have been trained can use a defibrillator on someone. Fact, anyone can use one. There are clear instructions on how to attach a defibrillator pads. It can access the heart rhythm and will only instruct you to deliver a shock if it is needed. तो ये थे कुछ मिथ हमारे फर्स्ट एड से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उस टॉपिक पे या उस असाइनमेंट पे वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं. नेक्स्ट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एड किट, कि हमारी फर्स्ट एड किट क्या होती है, उसके अंदर हमें क्या क्या सामान रखना होता है. एट होम, स्कूल, फैक्ट्री, बस एंड कार, देयर शुड बी अ फर्स्ट एड किट और बैग कैप्ट रेडी फॉर एमरजेंसी. द कंटेंट ऑफ अ फर्स्ट एड किट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म एंड द स्पेशल नीड ऑफ द ओकेशन. Therefore, it is not necessary to specify the contents of the first aid kit, but following kit provides a basis for selecting equipment for a first aid kit. सिर्फ उनको लिस्ट बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है. देन मैंने उनको नीचे ऐसे लिस्ट भी कर दिया है कि हमें क्या क्या चाहिए. फर्स्ट, ड्रेसिंग, ट्रायंगुलर बैंडेज, स्मेलिंग स्टार्ट, अ सेट ऑफ लार्ज सेफ्टी पिन्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ सेट ऑफ स्प्लिट विथ मेंटल कनेक्शन, कॉटन वूल, रोलर बैंडेज, केक ऑफ शॉप, किडनी बेसिन, ग्रेजुएटेड मेडिकेशन ग्लास, अ स्मॉल नोटबुक और पेंसिल, ग्लूकोज सिरिंज, डिटॉल और प्लास्टिक शीट. देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फाइव सिचुएशंस एंड ट्रीटमेंट. यहाँ पे मैंने जो भी सिचुएशंस ली है वो स्कूल में जो पॉसिबल हो सकती हैं मैंने उनके रिगार्डिंग ली है. तो फर्स्ट दैट आई चूज वॉज इलेक्ट्रिक शॉक. स्कूल में बहुत सारे क्लासेस में सर्किट होते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं, तो ये वाली सिचुएशन भी कई बार आ सकती है. ठीक, देन मैंने उसके टाइप्स लिखे हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रिकल शॉक होते हैं, मिल्ड, माइल्ड और सर्व. देन साइंस और सिम्टम्स, उसके क्या साइन है क्या सिम्टम्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. देन जो भी नोट करने वाली जो इम्पोर्टेंट बात थी उसको मैंने ऐसे करके किया है. देन इलेक्ट्रिक शॉक के लिए क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो सकता है उसकी मैंने यहाँ पे बात की है, लिस्ट बनाई है. तो फर्स्ट क्या हो सकता है, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई, कट ऑफ द करंट वाइल स्टैंडिंग ऑन अ ड्राई पीस ऑफ वुडन बोर्ड, और यूज अ वॉकिंग स्टिक, ड्राई बैम्बू पोल्स, वुडन प्लैंक वाइल हैंडलिंग द कैजुअलिटी, पुट द कैजुअलिटी ऑन अ बैक कम्फर्टली, रीअश्योरली द कम्फर्टली, गिव आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन और एक्सटर्नल कार्डिक मसाज इफ द कैजुअलिटी इज नॉट ब्रीदिंग और हर्ट वॉज स्टॉप्ड ब्रीदिंग, ट्रीट फॉर शॉक एंड बर्न्स, अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल. Then second situation is heart attack. Heart attack is a condition due to lack of blood supply to the heart muscles itself, leading to sudden interference with the normal attention of the heart. इसके causes क्या हो सकते हैं, coronary artery और cardiac arrest. Then signs and symptoms की मैंने यहाँ पे बात की है. Signs and symptoms के बाद here are the first treatment for heart attack. सबसे पहले रेस्ट, प्लेस द कैजुअलिटी इन कंफर्टेबल एंड सेमी सिटिंग पोजीशन, जो टाइट क्लोथ्स हैं अंडर द टाइट क्लोथ्स, चेक द पल्स, रेस्पिरेशन एंड द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, बिगिन सीपीआर इफ ब्रीथिंग एंड हर्ट बीट स्टॉप, ट्रीट फॉर शॉक इफ एनी, ट्रांसफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन सेमी सिटिंग पोजिशन विद सपोर्ट, डू नॉट अलाउ हिम टू सिट और वॉक. देन थर्ड है कॉन्सिक्वेशनस.
There are two degrees of level of consciousness. First is a partial complete stuffer, comma. उसके बाद जो degrees हैं मैंने उसको यहाँ पे ऐसे table किया है. Then talking about the common causes of unconsciousness. After this, I'm talking about the first treatment for unconsciousness. Ensure the patient of air passage and a free supply of fresh air. Remove the casualty from harmless gases inside the room. Open the door and windows. Keep back the crowd. Loosen clothing around the neck, chest and waist. Provide warmth with blanket if the weather is cool. Checking for breathing, pulse and temperature. Short artificial respiration if breathing has stopped. Do not give anything by mouth. Do not leave the casualty alone. Transfer the casualty to the hospital. इसके बाद मैंने fourth condition, fourth situation जो लिया है वो है suffocation. School में ये बहुत ही common है. It is a condition when air is prevented from entering the lungs. इसके causes हैं obstruction or physical barriers that prevent air entering the nose or mouth. Then signs or symptoms. इसके क्या क्या हैं? Difficulty in breathing, noise respiration, neck veins become prominent, confusion, unconsciousness. Then इसका first aid treatment. Remove the cause if possible. Restore fresh air supply. Send for medical help as early as possible. Then fifth is vomiting. It is a condition when there is forcible ejection of stomach contents through the mouth. Iske causes ho sakte hain these. Then I am talking about the signs and symptoms of vomiting. After that, it's first treatment. इसके बाद मैंने अपने असाइनमेंट में बिब्लियोग्राफी लिखी है. जिस भी साइट का या बुक का जहाँ से भी मैंने इस असाइनमेंट को बनाने के लिए हेल्प ली है, कंटेंट लिया है, तो मैंने उसको लास्ट में मेंशन किया है. आप यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी. जब भी आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने असाइनमेंट में क्या क्या पॉइंट्स किए हैं आप उसको इंडेक्स में भी वैसे वैसे ही लिखें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंडेक्स में मेन हेडिंग डाल रही हूँ मिसकंसेप्शंस ऑफ फर्स्ट एड तो वो ऐसे ही रहेगा. देन मैं अगर लिख रही हूँ फाइव सिचुएशंस एंड देयर ट्रीटमेंट तो उसके अंदर मैं पॉइंट बना के सारे फाइव सिचुएशंस लिखूंगी जिनके बारे में मैंने अंदर बात की है, जैसे सफोकेशन, अनकॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, हार्ट अटैक. ये है बिब्लियोग्राफी जहाँ से मैंने ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये मेरे टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं. मैंने इनको कहाँ से हेल्प ली है वो भी मैंने अंदर यहाँ पे लिख दिया है. फॉर एग्जाम्पल मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग फर्स्ट एड, बेसिक कंटेंट इन फर्स्ट एड बॉक्स, फाइव ट्रीटमेंट एंड देयर सॉल्यूशन. ये मैंने एक बुक से लिखा है जो GNM नर्सिंग की बुक है, फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी केयर, रिटन बाय डॉक्टर स्वप्ना नस्कर विलियमसन एंड माला गोस्वामी. देन मैंने यहाँ पे उनके बारे में लिखा है. तो आप भी ऐसे बिब्लियोग्राफी बना सकते हो. तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी इसी के बाद इसी असाइनमेंट का पार्ट टू, डेट इज रिपोर्ट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल वैल्यूज फॉर अ टीचर. ये इस पे ऊपर भी मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो सो स्टे ट्यून. थैंक यू.